हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुनील तंवर, राइनोप्लास्टी नोज सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ वी करेक्ट ए फ्लैट नोज। फ्लैट नोज की जो राइनोप्लास्टी है, बहुत सारे पेशेंट्स को क्वेरी होती है फ्लैट नोज को कैसे करेक्ट किया जाता है। सो टुडे वी गोइंग टू करेक्ट ए फ्लैट नोज डिफॉर्मेटी। अगर हम आपको देखते हैं, ये जो पेशेंट हैं, इनको पेशेंट की जो नोज़ है, लुक दैट इज नोज इज़ सो फ्लैट। सो मेडिकल लैंग्वेज में इसको बाइंडर सिंड्रोम बोलते हैं। ये नोज जो है बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ पे जो है फोर हेड नोज के बीच में बहुत डिप्रेशन है पूरा। ये यहाँ पे वाइड है बिल्कुल, ये जो नोज का कोलोमेला पार्ट है ये बहुत शॉर्ट है। सो इट्स ए फ्लैट नोज डिफॉर्मिटी। एंड इसको करेक्ट करने के लिए हमने जस्ट पेशेंट से जो है वो दो रिब के पोर्शन जो है वो हार्वेस्ट किए हैं। ये रिब का पोर्शन हमने हार्वेस्ट किया है एंड ये फेशिया हमने लिया है। नाउ आप देखते हैं इस नोज़ को जो हम बनाते हैं, आपसे मिलते हैं कैसे फ्लैट नोज़ को करेक्ट किया जाता है और एक ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी पूरी की जाती है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आफ्टर द 4 आवर्स की जर्नी के बाद हमने इस नोज को बनाया है। रिब कार्टिलेज के पीस लिया, थाई से हमने फेशिया लिया, बहुत सारा रिकंस्ट्रक्शन ग्राफ लगा के ये नोज जो फ्लैट नोज था उसको बड़ा एक जो पेशेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल नोज जो है वो बनाया है। एंड हम आपको ये दिखाते हैं, लुक दैट ये जो नोज़ है, पहले हम इसको प्रेस करते थे तो कोई टिप नहीं था, नाउ ही ए वेरी ऑगमेंटेड गुड नोज़। इसका जो एला है ये भी काफ़ी जो है वो नैरो हो गया। एंड पहले नोज़ और फोर हेड और इस नोज़ के बीच में बहुत सारा जो है वो गैप था, अब ये एक जो है एलिगेंट एक अच्छा नोज है जो पेशेंट के अकॉर्डिंग इसके फेस के हिसाब से इसकी हाइट भी ठीक है। सो दिस इज़ द फ्लैट नोज राइनोप्लास्टी। लोगों को बहुत सारा ये रहता है कि फ्लैट नोज को कैसे ऑगमेंट किया जाता है। सो यूजुअली इसमें अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे बहुत बार क्या है ईयर की कार्टिलेज लिया जाता है, या जैसे हमने इस पेशेंट को बहुत सारा ऑगमेंटेशन की ज़रूरत थी तो हमने इसमें रिब के दो पोर्शन लिए, पार्शियल पोर्शन। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी जहाँ से हम ग्राफ लेते हैं पेशेंट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए इस चीज़ से हमें घबराना नहीं चाहिए। एंड अगर आपको ज़रूरत है तो उसका सर्जरी कराना चाहिए। थैंक यू।